हेलो एवरीवन, आई एम रुचि मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। ये हमारा सीरीज है 100 क्लासिक नॉवेल्स का एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस डेथ ऑफ ए सेल्समैन बाय आर्थर मिलर। इससे पहले हमारी दो क्लासेस हो रखी हैं और दोनों में हम लोगों ने प्ले डिस्कस किया है, किसका? सोफोक्लीज का, इन योर वीडियो नंबर 1 इडिपस रेक्स एंड इन वीडियो नंबर 2 एंटीगनी। ये दोनों इम्पोर्टेंट प्लेज हैं बाय सोफोक्लीज। आज की क्लास में थोड़ा मॉडर्न वर्क पढ़ते हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर डेथ ऑफ ए सेल्समैन बाय आर्थर मिलर। सो थोड़ा सा जानते हैं आर्थर मिलर के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन ही वाज और उनके कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क्स थे। सो आर्थर मिलर याद रखेंगे यूएसए बेस्ड यानी के अमेरिकन प्ले राइट। सो हिज पेरेंट्स वर जूश इमिग्रेंट्स और वो लोग फिर वहां पे यूएस आए थे, स्टेबल हुए थे एंड स्टार्टिंग में फादर का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, गारमेंट बिजनेस था उनका, ही वॉज ए गारमेंट मर्चेंट। बट स्लोली ग्रेजुअली वॉट हैपेंड कि ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ। वट इज द नेम ऑफ द फादर? ईसर डोर। सो ही वॉज ए जूश इमिग्रेंट एंड उनका जो बिजनेस फेल हो गया तो आर्थर मिलर ने देखा अपने फादर को किस तरीके से ही इज सफरिंग अपने बिजनेस के ना चलने की वजह से एंड बाद में पूरा अमेरिका फेस किया किसको? ग्रेट डिप्रेशन को। ऑल द बिजनेसमैन जो कि आर्थर मिलर के नेबर थे और उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, एकदम से दीज वेल्दी नेबर्स दे वर रिड्यूस टू पॉवर्टी, गरीबी आ गई। ये ग्रेट डिप्रेशन वाला टाइम था एंड ह्यूमिलिएशन वाज देयर, क्योंकि जो लोग एक बार को बड़े पोजीशन होल्डर्स थे, बिजनेसमैन थे, दे आर नाउ रिड्यूस्ड टू डूइंग लेबर जॉब्स। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस आर्थर मिलर से रिलेटेड? बिकॉज जो हमारा वर्क है डेथ ऑफ ए सेल्समैन, उसके अंदर यही थीम मेंशन किया गया, किस तरीके से जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर है विली लोमन, हाउ ही सफर्स इन हिज ओल्ड एज। 63 ईयर ओल्ड सेल्समैन है और एकदम से वो कमीशन बेस्ड हो गया है कि जो भी आएगा रिजल्ट उसी पे उसको पैसे मिलेंगे। ही वॉन्ट्स कि मुझे ऑफिस का जॉब मिल जाए, बैठने वाला काम मिल जाए, बट बॉस वो प्रोवाइड करता है नहीं, इनफैक्ट वो उसको फायर कर देता है। सो विल नो अबाउट दिस स्टोरी। आर्थर मिलर से रिलेटेड ये क्लियर हो गया व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, क्योंकि ये आपका बैकग्राउंड है ऑफ दिस पर्टिकुलर प्ले। अब थोड़ा सा देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स बाय आर्थर मिलर, क्योंकि आपके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि भाई दिस वर्क इज रिटन बाय विच ऑथर, वहां पे ये दीज वर्क्स विल हेल्प यू। सो आर्थर मिलर के वर्क्स में ये 1938 डे टू अराइज, ये वाइल ही वाज स्टडिंग एंड ही वाज इन कॉलेज, उस समय का वर्क है। ही आल्सो गॉट द अवार्ड फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क्स। सो डे टू अराइज ये कहाँ का है? कॉलेज वाला है। नाउ एज ए प्रोफेशनल व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग प्लेज, उनका फर्स्ट वर्क कह सकते हो द मैन हु हैड ऑल द लक, डेब्यूट वर्क है। सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ था कुछ खास। सक्सेस कहाँ से मिला? विद दिस 1947 ऑल माय सन्स, ये काफी ज्यादा पसंद किया गया था रीडर्स के थ्रू एंड देन स्लोली ग्रेजुअली अदर वर्क्स, फॉर्म ऑफ वर्क्स दे आल्सो केम, आपकी मूवीज एंड अदर स्टफ। सो ऑल माय सन्स से आर्थर मिलर को रिकॉग्निशन एंड पॉपुलैरिटी यू रिसीव्ड एंड द वर्क वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो इज डेथ ऑफ ए सेल्समैन। एक तरीके से मास्टरपीस माना जाता है, बहुत ही ज्यादा क्लेम्ड वर्क है एंड इट्स ए ट्रेजेडी। डेथ ऑफ ए सेल्समैन प्ले है और क्या है? ट्रेजेडी है। देन द अदर वर्क्स 1953 क्रूसिबल, 1955 अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज एंड 1961 द मिसफिट इज ए स्क्रीन प्ले। आर्थर मिलर सेकेंड वाइफ वॉज मैरिलिन मनरो, शी वॉज एन एक्ट्रेस और अपनी सेकेंड वाइफ के लिए उन्होंने ये वाला स्क्रीन पे लिखा था द मिसफिट। सो आई हैव सीन दिस क्वेश्चन इन वन ऑफ द पेपर, चाहे तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। स्क्रीन प्ले कौन से का? द मिसफिट्स किसके लिए? वाइफ के लिए, ठीक। एंड टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन डेथ ऑफ ए सेल्समैन। सो फटाफट से वर्क देख लीजिए, कॉलेज वाला डे टू अराइज, पहला वाला द मैन हु हैड ऑल द लक, पॉपुलैरिटी मिली थी किससे? ऑल माई सन से।
वी आर गोइंग टू स्टडी डेथ ऑफ ए सेल्समैन, अदर वर्क्स में द क्रसिबल एंड द व्यू फ्रॉम द ब्रिज एंड स्क्रीन प्ले के लिए याद रखेंगे मिसफिट्स फॉर द वाइफ, सेकेंड वाइफ. सो दीज आर सम ऑफ द आर्थर मिलर वर्क्स. नाउ आर प्ले डेथ ऑफ ए सेल्समैन. सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप कह सकते हो स्टोरी के अलावा सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए अबाउट दिस प्ले डेथ ऑफ ए सेल्समैन. सो एक बार क्वेश्चन मैंने देखा है जहाँ पे पूछा गया है सब टाइटल. सो लेट्स रिमेम्बर दिस सब टाइटल, क्योंकि इसके अंदर यू विल गेट हाउ मेनी एक्ट्स एंड अदर जो भी स्ट्रक्चर है प्ले का वो आपको आपके सब टाइटल से याद हो जाएगा. तो सब टाइटल क्या है? सर्टन प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस इन टू एक्ट्स एंड ए रिक्विम, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर. हाउ मेनी एक्ट्स? टू एक्ट्स और लास्ट में एक रिक्विम इज ऑल्सो देयर. ये क्या होते हैं? जैसे जब किसी की डेथ हो जाती है ना तो मास ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां पे लोग आते हैं एंड दे शो देयर ट्रिब्यूट एंड अदर, एक गैदरिंग सॉर्ट ऑफ मास कहा जाता है उसको. सो दैट इज रिक्विम. तो ये जो हमारा प्ले है इट इज डिवाइडेड इनटू टू एक्ट्स, एक्ट वन एक्ट टू और फिर हमारा अ रिक्विम. से याद रखिएगा एंड दिस इज आल्सो द सब टाइटल, सर्टन प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस इन टू एक्ट्स एंड ए रिक्विम. कब का वर्क है? 1949 का. एंड दिस पर्टिकुलर वर्क बाय आर्थर मिलर गॉट हिम द पुलित्ज़र प्राइज एज वेल. 1949 में पुलित्ज़र प्राइज मिला था आर्थर मिलर को फॉर डेथ ऑफ ए सेल्समैन. एंड वर्क मैंने आपको बता ही दिया, ट्रेजेडी है. सो अवार्ड्स के लिए, इस पर्टिकुलर वर्क के अवार्ड्स के लिए वी विल रिमेम्बर पुलित्ज़र प्राइज सेम ईयर 1949 एंड न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड एज वेल. न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, दो अवार्ड्स याद हो गए हमें, पुलित्ज़र प्राइज एंड न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड. एंड वट इज द थीम? सो मटीरियलिज्म की बात की गई है एंड शैलो प्रॉमिस ऑफ हैप्पीनेस थ्रू मटीरियल वेल्थ. हमें लगता है कि हमारी जो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो किससे आएगी? मटीरियल चीजों से आएगी, पैसों से आएगी, घर से आएगी, कार से आएगी, लैपटॉप कंप्यूटर आईपॉड ये से आएगी. सो शैलो प्रॉमिस ऑफ हैप्पीनेस थ्रू मटीरियल वेल्थ, दिस इज योर ओवरऑल आइडिया और थीम. तो याद हो गया हमें 1949 फॉर योर डेट ऑफ प्रोडक्शन, डेथ ऑफ ए सेल्समैन बाय आर्थर मिलर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टर. सो हु इज द प्रोटैगनिस्ट और सेंट्रल कैरेक्टर? ये जो हमारा यहाँ पे सेल्समैन है, हु इज दिस प्रोटैगनिस्ट और सेंट्रल कैरेक्टर? विली लोमैन. उसकी फैमिली है, वाइफ है, दो बेटे हैं. एंड विली का जो एज है वो है 63 ईयर ओल्ड और सेल्समैन की जॉब में है. एंड बेटे भी दे आर इन देयर 30s. अब ये जो दो बेटे हैं इसमें से एक बेटा इज ए फुल ऑन वुमेनाइजर, लेडीज के साथ टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा लगता है. एंड द एल्डर वन वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, शांत है, क्योंकि उसने अपने लाइफ से जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी एंड उसके फादर ने उससे जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी, प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस, वो फुलफिल नहीं कर पाया है ना. सो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, एक एक करके देखते हैं हमारे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इन डेथ ऑफ ए सेल्समैन. सो आर प्रोटैगनिस्ट और द मेन कैरेक्टर इज विली लोमैन, ए 63 ईयर्स ओल्ड सेल्समैन. ये हो गया हमारा सेंट्रल कैरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट विली लोमैन. एक डेडिकेटेड वाइफ है जो उसका पूरा ख्याल रखती है, जो दे आर फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज, पैसों की दिक्कत है, तो पूरी बातचीत, टेक केयर, एवरीथिंग. सो डेडिकेटेड वाइफ, विली लोमैन्स वाइफ इज लिंडा लोमैन, बहुत ध्यान रखती है उसका. नाउ दे हैड टू सन्स, बड़े बेटे का नाम क्या है? बिफ लोमैन. एंड छोटे बेटे का नाम क्या है? हैप्पी लोमैन. सो ही इज एल्डर सन एंड हैप्पी इज यंगर सन. सो लेट्स चेक इफ
वी नो दी फैमिली मेंबर्स नेम, विली लोमैन, लिंडा लोमैन, बिफ लोमैन एंड हैप्पी लोमैन। प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट्स वाइफ, फर्स्ट सन एंड सेकेंड सन, बड़ा वाला बेटा, छोटे वाला बेटा। नाउ हैप्पी लोमैन के लिए हम लोग याद रखेंगे ही इज ए वुमेनाइजर, एंड बिफ लोमैन जब ये हाई स्कूल में था ही वॉज ए गुड फुटबॉल प्लेयर, लेकिन उसके जो सब्जेक्ट मैथ सब्जेक्ट है उसमें नंबर कम आते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो वन कजन जिसके साथ इनका कॉम्पिटिशन होता है। देखिए कौन सा वाला कॉम्पिटिशन कजन है। सो विली लोमैन्स एल्डर ब्रदर इज बेन लोमैन। ये क्या है? एल्डर ब्रदर। एंड ये एक्चुअली कैरेक्टर प्ले के अंदर नहीं है, ही इज पार्ट ऑफ फ्लैशबैक्स ओनली। प्ले के अंदर बहुत सारे फ्लैशबैक्स हैं एंड दे आर नॉट क्रोनोलॉजिकली। विली को जब जहां जो याद आया है उसको फ्लैशबैक में दिखाया गया है। सो बेन लोमैन, विली लोमैन का बड़ा भाई, ये किसमें आता है? सिर्फ फ्लैशबैक्स में है, एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है। जब हमारा प्ले स्टार्ट होता है तो इसकी डेथ हो चुकी होती है। तो ये हो गया आपके फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स में विली लोमैन, लिंडा, बेफ, हैप्पी एंड बेन। ठीक। नाउ अदर पीपल, सो हॉवर्ड वैगनर इज दी बॉस। ये सेल्समैन है तो बॉस भी होगा, ये है बॉस। हॉवर्ड वैगनर इज विलीज बॉस। जेनी कैरेक्टर जो है ये हार्वर्ड की सेक्रेटरी। जेनी सेक्रेटरी ऑफ हार्वर्ड एंड हार्वर्ड इज विलीज बॉस। हु आर चार्ली एंड बर्नार्ड? प्ले के अंदर ना एक बंदा है जो कि बहुत अच्छा है विली के साथ। वाइफ इज कंपैशनेट, बेटे थोड़ी अपनी दुनिया में मगन है एंड ये थोड़ा नाराज भी है विली से। बट एक चार्ली है, चार्ली इज द ओनली फ्रेंड ऑफ विली, ओनली फ्रेंड। और बर्नार्ड जो है वो चार्ली का बेटा है। सो चार्ली इज विलीज ओनली फ्रेंड, इकलौता दोस्त है, एंड बर्नार्ड जो है वो चार्ली का सन है। तो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट हाई स्कूल। हाई स्कूल के टाइम में क्या होता है, ये आपको प्ले के अंदर फ्लैशबैक में देखने को मिलेगा। सो इन फ्लैशबैक जब हमें स्कूल टाइम दिखाया जाएगा, हाई स्कूल दिखाया जाएगा, तो एवरीबडी इज लाइक कि बिफ तो बहुत अच्छा करेगा अपनी लाइफ के अंदर, एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बनेगा। एंड कौन खराब परफॉर्म करेगा लाइफ के अंदर? बर्नार्ड। दे यूज टू थिंक लाइक दिस। अब आयरनी कह लो, ऑपोजिट होता है। बिफ इज द वन हु इज नॉट हैविंग ए जॉब, और इवन हैप्पी उसको रिकमेंड करता है कि अच्छा तुम जाओ और इससे मिलो एंड यू विल गेट द जॉब एंड एवरीथिंग। मदर इज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि भाई थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ। विली इज ऑल्सो सेइंग कि वो अपना पहले वाला कॉन्फिडेंस लेकर के आओ, यू यूज टू हैव द कॉन्फिडेंस, तुम ये कैसे हो गए हो, है ना। सो एवरीबडी इज नाउ गिविंग एडवाइस टू बेफ एंड बर्नार्ड इज द वन हु इज एक्चुअली डूइंग गुड। अब बड़े होने पे ही इज द वन हु इज लाइक सेफ एंड सिक्योर्ड फाइनेंशियली। और किसके साथ है? अपने फादर चार्ली के साथ है। सो कैरेक्टर्स याद हो गए हमें, विली प्रोटैगनिस्ट, लिंडा वाइफ, बिफ एंड हैप्पी, ये हमारे सन्स। एक दो लेडीज भी हैं इसके अंदर, किससे रिलेटेड? हैप्पी लोमन से रिलेटेड। वो जब रेस्टोरेंट वाला सीन होगा हमारा, तो वहां पे लेडी होगी, फिर वो अपनी फ्रेंड को बुलाएगी बिफ के लिए। सो वो, और वो भी होगा, और एक आपका वो भी होगा रेस्टोरेंट के अंदर, स्टैनले, ये वेटर का भी होगा, बट दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मेन मेन स्टोरी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये आपके लोग इम्पोर्टेंट हैं। बॉस का नाम हावर्ड वैगनर, फ्रेंड का नाम चार्ली, चार्ली के बेटे का नाम बर्नार्ड, अपने बेटों का बिफ और हैप्पी, और बड़ा भाई जो कि फ्लैशबैक में आएगा वो कौन है? बेन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द समरी। फटाफट से देखते हैं हमारी स्टोरी क्या है। सो एक्ट वन
एक्ट वन का जो हमारा टाइम है वो रात का टाइम है, नाइट है, मतलब डिनर के बाद वाला टाइम आप कह लो नाइट। एंड विली लोमैन रिटर्न्स होम ड्यूरिंग दी नाइट, वापस आते हैं, उसको अपने सेल्समैन वाले जॉब के लिए जाना पड़ता है। एंड मोस्ट ऑफ टाइम वो रोड पे रह रहा होता है, और इधर बीच उसके बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। एलिंडा इज वारिड कि कहीं ये जानबूझ के तो नहीं कर रहा, सुसाइडल साइंस देखने को मिल रहे हैं विली लोमैन से रिलेटेड। शी इज वारिड कि फिर से कुछ ना हो गया हो। जब वो आता है शी गेट्स आउट ऑफ द बेड, और उसके साथ ही फिर आते बैठते हैं एंड दे टॉक अबाउट देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। थोड़े फ्लैशबैक के सीन्स भी होते हैं यहाँ पे एंड एवरीथिंग हैपनिंग। फिर हमें पता चलता है कि ये जो बेटे, जो कि एक्चुअली अलग अलग लोकेशन पे हैं, बट इस वाली रात में व्हेन आवर सीन इज गोइंग ऑन, बिफ एंड हैप्पी दे आर अपस्टेयर्स एंड टॉकिंग अबाउट देयर चिल्ड्रन, तो चाइल्डहुड। सो अब उनकी जो बातचीत हो रही है उससे फिर स्लोली ग्रेजुअली हम जो रीडर्स हैं, ऑडियंस हैं, हमें ये पता चलता है कि हैप्पी इज ए वुमनाइजर एंड विफ इज फ्रस्ट्रेटेड एट हिज लैक ऑफ प्रोफेशनल सक्सेस, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। बाद में लेटर ऑन लिंडा शेयर्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स विद दी सन्स, उन लोग को बताती है कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है पैसों की, एंड ऑल्सो अबाउट देयर फादर की वो ही इज ट्राइंग टू किल हिमसेल्फ, जो विली लोमेन है ये अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है, ये भी उन लड़कों को बताती है। इधर हैप्पी ने एडवाइस करा है बिफ को कि तुम जाओ और ये एक पर्सन है इससे जाकर के मिलो, द नेम ऑफ द पर्सन इज आई टेल यू, बॉब या ऐसे कुछ नाम है। सो हैप्पी जो है वो बिफ को कहता है कि तुम जाओ और इस वाले पर्सन से मिलो, एंड वहां से फिर क्या होगा कि यू विल गेट दिस जॉब और थोड़ा सा तुम सेफ एंड साउंड हो जाओगे। तो बिफ इज लाइक कि हाँ चलो मैं मिलूंगा, ये वाली चीजें फिर वो लोग लिंडा को भी बताते हैं कि दिस एंड दिस इज दिस देयर। ओके सो विली आस्क बिफ टू गेट हिज ओल्ड कॉन्फिडेंस बैक, वो कहता है कि भाई तुम पहले यू हैड दिस कॉन्फिडेंस, फिर पता नहीं क्या हो गया यू लॉस्ट इट, और आज के टाइम में तुम इस तरीके से अपना जिंदगी जी रहे हो, सो यू शुड वर्क ऑन इट एंड गेट योर कॉन्फिडेंस बैक। सो इस तरीके से इनकी सारी बातचीत होती है एक्ट वन के अंदर नाइट है। काफी सारे फ्लैशबैक्स भी हैं बट मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सब कवर करना है एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू ए जस्ट। मान लीजिए आपको डिटेल में जानना है तो ड्रॉप ए कमेंट, लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, या मैं डिटेल में मतलब लाइक 1 आवर और प्लस सेशन में अगर आपको ये प्ले कवर करना है तो डू लेट मी नो, वी विल कवर दैट। फिर एक्ट टू के अंदर क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट डे है एंड मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है। सो विली इज हैविंग ब्रेकफास्ट एंड लिंडा उस समय उसको इन्फॉर्म करती है कि बिफ जो है वो चला गया है जॉब के चक्कर में, एंड दोनों बेटे विली से मिलना चाहते हैं रात को डिनर के लिए रेस्टोरेंट में। तो वो उसको इन्फॉर्म करती है कि तुम बेटों से मिल लेना रेस्टोरेंट में डिनर के टाइम में, ठीक है। अब विली वहां से निकल जाते हैं, ना ही विल मीट टू इंडिविजुअल्स, पहले वो अपने बॉस से मिलेगा और फिर अपने फ्रेंड से मिलेगा। सो विली टॉक्स टू हावर्ड, हावर्ड कौन है, बॉस है, उसको कहता है कि मुझे ये कमीशन वाला काम नहीं करना, आप मुझे ऑफिस में काम दो, आई वॉन्ट टू डू दिस सिटिंग जॉब। हावर्ड उसको क्लियर करता है कि हमारे पास अभी कोई पोजिशन नहीं है, वी आर नॉट हैविंग एनी पोजिशन ऑफिस वाले जॉब के लिए। फिर वो बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत एजिटेटेड हो जाता है। तो फाइनली नेट रिजल्ट क्या है, दैट हावर्ड उसको फायर कर देता है एंड जो जॉब थी भी वो भी चली जाती है बिली की। उसके बाद फिर वो किससे मिलने जाता है, चार्ली से, वहां पे उसको बर्नार्ड मिलता है एंड देन अगेन ही हैड फ्लैशबैक्स एंड ऑल। एनी हाउ चार्ली उसको ऑफर करता है जॉब, पहले जो उसका भाई मैंने आपको दिखाया था कैरेक्टर कि जब हम लोग लिस्ट कर देख रहे थे लिस्ट, ये दिस बेन लोमेन, बेन लोमेन ने भी उसको बहुत जॉब ऑफर किए थे विली को, लेकिन ही वॉज टू प्राउड, उसने उस समय अपने भाई की बात नहीं सुनी थी एंड भाई वॉज ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन। एनी हाउ चार्ली भी उसको जॉब ऑफर करता है लेकिन ही इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट दिस जॉब एंड फाइनली ही आस्क फॉर मनी और चार्ली उसको थोड़े से पैसे देता है।
अब दोस्त है, मतलब अभी भी देखो वो दोस्ती निभाते हैं। एंड पहले उसने जॉब भी ऑफर करा, लेकिन जब उसने जॉब नहीं माना, एक्सेप्ट करा, तो ही आई गेव हिम सम मनी एज वेल। ठीक, उसके बाद हमारा सीन कहाँ पे आ जाते हैं, रेस्टोरेंट में शाम में। सो हैप्पी इज देयर, और वहाँ पे एक लेडी भी है, एंड वो उससे अपना बातें कर रहा है सम देहाट की, भाई किस तरीके से वी कैन स्पेंड नाइट एंड एवरीथिंग। और फिर होता है कि भाई बिफ भी आने वाला है, तो वो जो लेडी होती है वो अपनी फ्रेंड को भी एक को बुलाती है, सो दैट दे कैन एंजॉय देयर नाइट टुगेदर। एनी हाउ, सो बिफ इज वेटिंग फॉर, हैप्पी इज वेटिंग फॉर बिफ एंड फादर। बिफ आता है, पता चलता है कि वो जिससे मिलने गया था वो उसको जानता ही नहीं था, याद ही नहीं था, उनकी मुलाकात ही नहीं हुई। सो नेट नेट इफेक्ट इज देयर इज नो जॉब। फिर विली आता है, बिफ विली से बात करने की कोशिश करते हैं, यही फाइनेंशियल एंड द स्टफ। एंड हियर वी हैव दिस इम्पोर्टेंट फ्लैशबैक। व्हाई इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस वाले फ्लैशबैक से हमें पता चलेगा कि व्हाई बिफ इज लाइक दिस, वो जो उसका कॉन्फिडेंस नहीं है वो क्यों नहीं है। सो फ्लैशबैक में हम क्या देखते हैं कि बिफ, जो कि पहले के फ्लैशबैक्स में पता चल जाता है कि वो एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर है अपने हाई स्कूल के टाइम में, एंड ही इज स्ट्रगलिंग इन स्टडीज। अब यहाँ पे पता चलता है कि वो मैथ में फेल हो जाता है, तो बिफ इज लाइक कि मैं चलता हूँ, मैं अपने फादर से कहता हूँ, वो टीचर से बात करेंगे एंड कुछ उसका जुगाड़ उगाड़ निकल आ जाएगा। क्योंकि उसी के बाद फिर उसको समर कैंप जाना होता है, फिर आगे कॉलेज एंड उसमें इसको स्कॉलरशिप्स एंड ऑल मिलेंगे। तो वो अपने फादर से मिलने जाता है कहाँ, बॉस्टन। वहां जब जाता है तो क्या देखता है, दैट फादर इज विथ अनादर वुमेन, ही इज हैविंग एन अफेयर। अब ये जो ट्रॉमा है, इसकी वजह से बिफ समर कैंप में भी नहीं जाता और उसकी जो पूरी जिंदगी है वो खराब हो जाती है। बाद में भी फ्लैशबैक के बाद वापस हम रेस्टोरेंट वाले सीन में आते हैं। बिफ एंड हैप्पी दे लीव रेस्टोरेंट इन होप कि हमारा जो टाइम है वो अच्छा बीतेगा इन लेडीज के साथ। एंड आर एक्ट एंड्स विथ विली स्पीडिंग ऑफ इन हिज कार। इसके साथ ही वाला जो एक्ट है वो फिनिश होता है कि अपनी कार में बहुत तेज स्पीड में वो जा रहा है। तो हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन दिस प्ले, टू एक्ट्स। एक्ट वन में हम लोगों ने पीछे रात वाला सब कुछ देखा, एक्ट टू में हमने मॉर्निंग का डिस्कशन एंड रेस्टोरेंट वाला सीन देखा, एंड आर एक्ट टू एंड्स विथ विली स्पीडिंग ऑफ इन हिज कार। द लास्ट इज रिक्वेम। व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे वो मास है, रिक्वेम है, एंड बहुत ज्यादा लोग टर्न अप नहीं हुए हैं विली के लिए, और उसका फ्यूनरल है एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमारा ये सीन होता है जहाँ पे लिंडा इज एट विलीज ग्रेव, उसके ग्रेव पे है, एंड क्या बता रही है वो विली को, दैट दे आर नाउ फ्री, क्योंकि जो हाउस है फाइनली हाउस की पेमेंट्स हो गई हैं एंड हाउस इज देयर्स। और ये जो पेमेंट हुई है ये किससे हुई है, विली के इंश्योरेंस मनी से। सो डेथ ऑफ ए सेल्समैन। सो मटीरियलिस्टिक चीजों को दिखाया गया है कि नाउ दे आर फ्री क्योंकि घर अपना हो गया है, एंड द सेल्समैन इज डेड, और वो जो मरा है उसके इंश्योरेंस मनी से नाउ एवरीबॉडी इज फ्री। तो ये था हमारा प्ले डेथ ऑफ ए सेल्समैन बाय आर्थर मिलर। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, जरूर याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हमारा कुछ बेसिक डिटेल्स हम लोगों ने कवर किए थे, कौन से अवार्ड्स एंड द थीम एंड द टाइम एंड द काइंड ऑफ वर्क डेथ ऑफ ए सेल्समैन इज। सो ये था हमारा आज का सेशन, मिलेंगे अगली क्लास में एंड वी विल स्टडी अनदर इम्पोर्टेंट क्लासिक प्ले फॉर आर लिटरेचर बेस्ड एग्जाम्स। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।